हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, माय सेल्फ आदिश पाटिल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2021 के काउंसलिंग के बारे में, इन्फॉर्मेशन के बारे में, और एक स्टूडेंट का क्या रोल होता है काउंसलिंग में, वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले, अब एग्ज़ाम हो गई है, रिजल्ट आ गया है, बच्चों के स्कोर्स आ गए हैं, तो एक स्टूडेंट के हिसाब से काउंसलिंग में एक स्टूडेंट क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, मार्क्स काउंट हो जाने के बाद व्हाट यू शुड डू, यू शुड मेक अ लिस्ट। आपने एक आपके मार्क्स के हिसाब से एक टेंटेटिव एक लिस्ट बनानी चाहिए, जिसमें विच शुड कंसिस्ट ऑफ कॉलेजेस, उनका लोकेशन, उनकी ईयरली फीस या और उनके फैसिलिटीज, उनका हॉस्पिटल, और ये सारा उनका एक रिव्यू, एक डिटेल लिस्ट क्रिएट करनी चाहिए। मतलब जब आप राउंड्स में जाओगे तो आप तो वहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके सारे कॉलेजेस तो नहीं सिलेक्ट करोगे, डायरेक्टली राम भरोसे तो नहीं छोड़ोगे कि जो होगा देख लेंगे, सारे कॉलेजेस को अप्लाई कर दिया, ये तो नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट क्रिएट करनी है कॉलेजेस की, और राउंड्स में वही जगह पे आपको प्रॉपरली जाके एक बराबर से अप्लाई करना है सिलेक्टेड कॉलेजेस को। ये आपका काम है एज अ स्टूडेंट, सिर्फ काउंसलर पे डिपेंड रह के नहीं चलेगा। अगर आप कोई काउंसलर को लगाते हो तो सिर्फ कोई काउंसलर पे डिपेंड रह के नहीं चलने वाला है, आपका काम है कॉलेजेस की लिस्ट क्रिएट करना। क्योंकि मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, ये बाद में बोलना ये बहुत खराब चीज़ है। आपको सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर स्कोप था लेकिन मैं नहीं कर पाया, ये बोलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए आदमी ने। सारी चीज़ों के बारे में पहले से जानकारी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मतलब पीपल हैव डाउट इन देयर माइंड कि काउंसलर यस और नो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो एज मच एज फार एज आई नो, मुझे ऐसा लगता है कि लगा लेना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का जो भी डेटा होता है या फिर जो कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं तो उसके बारे में वो लोग बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। तो एक अच्छा ट्रस्टवर्दी काउंसलर लगाना, मतलब एक्सपीरियंस्ड, जो कहीं से आपको रेफर किया गया हो या फिर आपको पता है कि ये एक रिप्यूटेड रिनोड काउंसलर है, तो वो आप लगा सकते हो। पर काउंसलर लगा दिया और सब छोड़ दिया, ये नहीं करना चाहिए। आपको भी सारी चीज़ों में अपडेटेड रहना है और कॉलेजेस की प्रॉपरली एनालाइजिंग करनी है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में अपन देखेंगे तो कुछ MBBS कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद एक मेडिकल रूरल बॉन्ड, मतलब MBBS रूरल बॉन्ड करके एक चीज़ होती है, मतलब पोस्ट आपकी पूरी कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको सर्विस देनी पड़ेगी। तो अगर आप सर्विस ना देते हो तो आपको गवर्नमेंट सीट के लिए पेनल्टी भरनी पड़ती है, क्योंकि आपने सर्विस नहीं दी, आपके ऊपर गवर्नमेंट का खर्चा हुआ लेकिन आप सर्विस देने से इनकार करते हो, तो आपको महाराष्ट्र में 10 लाख रुपए की फाइन है। सो दैट इज 10 लाख रुपीज, इट्स अ पेनल्टी फाइन, क्योंकि आपने सर्विस नहीं दी, और वो सर्विस बॉन्ड महाराष्ट्र में वन ईयर का होता है। उसके बाद में कुछ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है, जैसे एम्स हो गया, जिपमर हो गया, AMU हो गया, BHU है, तो इनमें तो आपको कोई मतलब सर्विस बॉन्ड तो होता नहीं है। और कुछ स्टेट्स है जैसे कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, केरला, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, पुडुचेरी, और ये फ्यू कॉलेजेस इन तमिलनाडु, वो है जिनमें MBBS रूरल बॉन्ड्स जो होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते। बाकी बचे हुए जो स्टेट्स है, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड,
अंडमान एंड निकोबार, इनमें आपको एमबीबीएस सर्विस बॉन्ड, मतलब या तो बॉन्ड की फीस भरो और सर्विस ना दो, या फिर एक साल के लिए सर्विस दो, ये होता है। अब धीरे धीरे कर करके एक एक स्टेट के रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे थे, तो अभी काफ़ी सारे स्टेट्स के हो चुके हैं। ऑल इंडिया राउंड जो है वो शुरू होने बाकी है, और महाराष्ट्र के जो रजिस्ट्रेशंस है वो अभी कल से यानी कि 30 दिसंबर 2021 से शुरू होने वाले हैं। तो आपको महाराष्ट्र राउंड्स के लिए अगर अप्लाई करना होगा तो आपको सीईटी सेल की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक नया नोटिस इशू हुआ था एमसीसी की तरफ से, मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी की तरफ से, कि ऑल इंडिया का जो 15% कोटा होता है सारे कॉलेजेस में जो ऑल इंडिया के सीट्स फील्ड होते हैं, उनके लिए टोटल 4 राउंड्स होने वाले हैं। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऑल इंडिया के राउंड्स में जो सीट खाली रह जाते थे वो आज से पहले स्टेट्स को, रिस्पेक्टिव स्टेट्स को फॉरवर्ड किए जाते थे, लेकिन क्या होगा वो सीट जो है वो स्टेट्स को नहीं जाएंगे, वो उसी कोटे से फील होंगे। तो गवर्नमेंट का ये ट्राई है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऑल इंडिया राउंड्स थ्रू ही एडमिशन करवा लें, और फिर स्टेट के राउंड्स ओपन करके वहाँ से फिर जो बच्चे बचे हुए हैं वो फिर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे एक चीज़ होने वाली है कि जिसको थोड़े कम मार्क्स है, मान लो ज़्यादा मार्क्स वाला बच्चा स्टेट वाले राउंड में अप्लाई कर देता है तो वो ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे ही स्टेट्स की सीट ले लेंगे, तो जिसको थोड़े कम मार्क्स है वो एक बाउंड्री लाइन से रिस्क जोन में आ सकता है, मतलब उसका सीट जा सकता है उसके हाथ से, उसको नहीं मिल पाएगा क्योंकि कट ऑफ हाई हो जाएगा स्टेट का भी। और चैनल को लाइक करो, और मैं इसके आगे नीट एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो बनाते रहूँगा, बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, मेरा बायोलॉजी में स्कोर अच्छा कैसे आया, ये सारे ऐसे टॉपिक्स के बारे में मैं वीडियो बनाते रहूँगा। तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए।